उमेश पाल हत्याकांड केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपीएसटीएफ गुजरात के अहमदाबाद से प्रयागराज लेने की तैयारी में है और अतीक को प्रयागराज लाने की जिम्मेदारी आईपीएस अभिषेक भारती को सौंपी गई है। अभिषेक भारती के नेतृत्व में 45 सदस्यीय पुलिस टीम गुजरात पहुंच चुकी है। अभिषेक भारती के साथ एक अन्य आईपीएस और 3 डीएसपी की कोर टीम भी मौजूद है। बता दें कि आईपीएस अभिषेक भारती की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है और मौजूदा समय में अभिषेक भारती प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर से डीसीपी के पद पर तैनात हैं। वहीं अतीक को लाने के लिए पुलिस 2 वज्र वाहन के अलावा 3 फोर व्हीलर और एक एम्बुलेंस भी साबरमती जेल पहुंची है जहां से अब वापस हो रही है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।